वैसे भी बाय द वे जो लेस देन ग्रेटर देन हमने पढ़ा था या इनपुट आउटपुट लेना जो हमने सीखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर तो हमने लेस देन ग्रेटर देन पढ़ लिया है, लेकिन लास्ट क्लास में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को रोक के इनपुट आउटपुट लेना सीखा था, जो कि कुछ इस तरह से था हमारे पास। ये हमने एक BMI कैलकुलेटर बना लिया था रन टाइम पर, जो कैलकुलेट करके बताता है कि वो कितना आपने वेट लूज करना है या कितना आपने वेट गेन करना है टू बिकम आइडियली फिट। अच्छा, अब कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या है ज़रा बुक में देख लेते हैं, कुछ हमने अगर छोड़ा है तो। डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू का फ़र्क आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, नॉट इक्वल टू भी पता है, एक इक्वल टू होता है, एक नॉट इक्वल टू होता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये चेक करना है कि बंदे ने जो इनपुट दिया है वो 30 के इक्वल है, तो मैं इक्वालिटी का ऑपरेटर लगाऊंगा। अगर मुझे ये चेक करना है कि बंदे ने जो इनपुट दिया है वो 30 के इक्वल नहीं है अगर, ठीक है ना, समटाइम ऐसा होता है कि 30 के इक्वल होता है तो काम कराना होता है कुछ, समटाइम ऐसा होता है कि 30 के इक्वल नहीं है तो ये काम कराना है, ठीक है। तो नहीं के लिए नॉट इक्वल टू वाला हमारे पास मौजूद है ऑपरेटर। अच्छा, ये चार हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, कि लेस देन हो या ग्रेटर देन हो दोनों पे ये ट्रू देगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना, अच्छा ये ज़रा हम सीक्वेंस से देखते हुए जा रहे हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ये इफ एल्स ये बता रहा है बुक में, यहाँ चैप्टर नंबर 11 में, 12 में। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 13 पे ना कुछ मज़ीद ऑपरेटर्स हैं, लेकिन ये कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन ऑपरेटर ख़त्म हो गए हमारे। दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। तो हमने अभी तक कितने तरह के ऑपरेटर पढ़ लिए हैं? नंबर एक हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था, प्लस माइनस जो था उसको किस तरह, क्या नाम है उस ऑपरेटर का? फेमिलियर ऑपरेट, फेमिलियर तो उसको कहते हैं कि आप जानते पहचानते हैं उसको कहते हैं, नाम उसका ये नहीं था। अर्थामेटिक ऑपरेटर, सही है। मैथ में भी असल में मैथ जो निकली है वो अर्थामेटिक का मतलब है मैथ ऑपरेटर, सही है। तो उसको हम फॉर्मली जो टर्म उसके लिए यूज़ होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस के लिए, वो अर्थामेटिक यूज़ होती है। उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा, और उसके बाद हमने, अच्छा अर्थामेटिक में भी हमने दो तरह के पढ़े थे, एक फेमिलियर एक नॉन फेमिलियर। नॉन फेमिलियर में वो प्लस प्लस माइनस माइनस था, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट वगैरह, तो वो भी अर्थामेटिक ऑपरेटर में ही काउंट था। लेकिन तो अर्थामेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, नाउ लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, तो लॉजिकल ऑपरेटर को ज़रा शुरू करने से पहले कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज लॉजिक, व्हाट डज इट मीन बाय लॉजिक, लॉजिक क्या चीज़ होती है? जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं हो, कोई मतलब हो, समझ आया जो चीज़। अच्छा, और बता बताया कोई? अच्छा, प्रोग्रामिंग से बिल्कुल हटके इन जनरल, इन जनरल जो है वो व्हाट इज़ लॉजिक। एक तो हम महावरतन बात कह देते हैं ना, यार बड़ी लॉजिकल बात की है, या ये बंदा लॉजिक देता रहता है, वो तो महावरतन हम कहते हैं स्लैंग, लेकिन लॉजिक का कुछ तो मतलब होता होगा। तो किसी कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा इस बारे में, व्हाट इज़ लॉजिक, ज़रा इस बारे में अपना इजहार ख्याल करें। गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ये टू वे, असल में क्लास में टू वे होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करता हूँ। ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है ना, अच्छा ब्रेन स्ट्रॉमिंग में ना सही गलत नहीं होता, सही है। आप जो भी बात बोलेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है वो सही होगा, क्योंकि अगर सही होती, सारी चीज़ें पता होती, तो फिर पढ़ाई करने के लिए क्यों आते हैं? तो अच्छा, मैं भी जो बातें कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें सही हों, सही है। तो आप सब लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, इवन दो के बुक में जो बातें लिखी हुई हैं सारी, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सही हों, क्योंकि बुक में बहुत सारे लोग पढ़ रहे होते हैं, रिव्यू करते हैं लोग, सीनियर लोग इसको रिव्यू करते हैं, तो 99% नॉलेज सही होती है बुक में, ख़ासतौर पर प्रोग्रामिंग वाली जिसको चला के टेस्ट करते हैं आप, लेकिन बुक में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरी बात पे आँख बंद करके बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जितनी भी बातें हैं उसको आपने, आप सब लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, उसको क्रॉस चेक करना है आपने, ठीक है। अच्छा,
तो आओ चल के लॉजिक को करते हैं। अच्छा ये बहुत अच्छी डेफिनेशन आ गई है, एक दफ़ा मैं सर्च कर रहा था और डेफिनेशन ही चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। अच्छा लॉजिक जो है ना एक फील्ड ऑफ स्टडी है, जैसे कंप्यूटर साइंस एक फील्ड ऑफ स्टडी है, ऐसी लॉजिक भी क्या है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है। लोग लॉजिक की पढ़ाई करते हैं, कोई ये बता सकता है कि लॉजिक की जो पढ़ाई करते हैं उसका नाम क्या होता है? कंप्यूटर साइंस का तो कंप्यूटर साइंस ही नाम है ना, प्रोग्रामिंग जिसमें पढ़ते हैं उसको तो कंप्यूटर साइंस कहते हैं। लॉजिक की जो पढ़ाई होती है उसका नाम पता है किसी को? लॉजिक लॉजिस्टिक्स नहीं होता है। अच्छा मदरसों में जो पढ़ाया जाता है उसको कहते हैं मंतिक, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है उसका मुझे नाम नहीं पता, उसको लॉजिक ही कहते हैं भाई दादा, ठीक है उसको नाम ही होता है लॉजिक। अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लॉजिक पढ़ाई जाती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल लॉजिक, शॉर्ट में उसको DLD कहते हैं। DLD पढ़ा है किसी ने यहाँ पर? कंप्यूटर साइंस में भी थोड़ा DLD वैसे पढ़ाते हैं। वेल तो लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग, इट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लॉजिक। फॉर्मल लॉजिक इज द साइंस ऑफ डिडक्टिविटी वैलिड इन, अभी बड़ी मुश्किल से इसने अंग्रेजी लिखी है, ऑफ अ लॉजिकल ट्रूथ। इट इज अ फॉर्मल साइंस इन्वेस्टिगेटिंग हाउ कंक्लूजन फॉलोइंग द प्रेमिसेस इन द टिपिकल। ये बहुत इसने मुश्किल बात लिखी है, मैं आपको आसान करके बताता हूँ। लॉजिक जो है ना, जैसे इसने लिखा है करेक्ट रीजनिंग की बात है। अभी तो हमारे यहाँ जिस दौर में हम जी रहे हैं ये है साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर। इससे पहले जो दौर था ना वो फिलॉसफी का दौर था। अभी जैसे आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो उनको सुपर पावर समझा जाता है, जिनके पास ज़्यादा अच्छे काबिल साइंटिस्ट हैं वो मुल्क तरक्की याफ्ता समझा जाता है, और तमाम की तमाम जो इन्वेंशंस हैं वो साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन आज से कुछ अरसे पहले तक जो है ना ऐसा नहीं था। साइंस का दौर से पहले फलसफे का दौर था। अच्छा और ये जितनी भी तरक्की होती थी ना वो सब फलसफे से होती थी, फिलॉसफी से होती थी। अच्छा फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, यानी फिलॉसफी और लॉजिक जो है वो काफ़ी करीब करीब चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर आज की जो साइंस है उसके अंदर किसी भी चीज़, साइंस के रूल्स होते हैं है ना, साइंस के लॉज होते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो लॉ बन जाता है साइंस के अंदर, ठीक है। और उस लॉ के ऊपर ये पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो ड्राइव करती है, उन तमाम लॉज के ऊपर ही जो है तमाम की तमाम इन्वेंशंस हो रही होती हैं। इवन दो कि आपका जो जहाज़ चल रहे हैं, रॉकेट चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, बसें चल रही हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी वगैरह, जितने भी कम्बस्शन इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, वो तमाम के तमाम ये जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं वो उन लॉ के ऊपर चलती हैं। तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि वो लॉ बनते कैसे हैं। अच्छा उसका एक क्लासिक अप्रोच है जो साइंस में शुरू दिन से ये फॉलो कर रहे हैं, वो दो तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन, कि कोई चीज़ आपने ना ऑब्जर्व की, आपने देखा कि अच्छा यार मैं कागज़ को आग लगाता हूँ तो ये जल जाता है, कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व की। अच्छा फिर आपने देखा कि यार ये फला पत्थर है ये ठंडा रहता है, हर वक्त हाथ लगाओ ठंडा होता है। अच्छा फिर आपने देखा कि अच्छा यार अगर फर्श बहुत ठंडा है ना और मैं उस पर लकड़ी बिछा दूँ फर्श पे और उसके ऊपर मैं बैठ जाऊँ अगर, तो लकड़ी से ठंड जो है वो कंडक्ट नहीं होती, इसी वजह से बेड जितने भी होते हैं वो सारे लकड़ी के बनाए जाते हैं आमतौर पर, ठंडे इलाके में ख़ास तौर पर बेड लकड़ी के होते हैं ताकि वो ठंड को कंडक्ट ना करें और आपकी बॉडी जो है वो ठंड से महफूज रहे। तो अब इस तरह से कोई चीज़ आपने ऑब्ज़र्व की। अच्छा तो हमारे भाई न्यूटन ने क्या ऑब्ज़र्व किया था? सेब गिरा था उसके सर पे। अच्छा तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया और भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन ये बेचारे की किस्मत ख़राब थी, ये
मशहूर हो गई, ठीक है ना। स्टूडेंट ख़ास तौर पे जो जब नई नई उनको पढ़नी पड़ती है साइंस, तो उनके दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं न्यूटन के लिए कि भाई क्यों इसके सर पे सेब गिरा था। कोई कहता है कि सर पे सेब गिरने की वजह से इसका दिमाग ख़राब हो गया था, इसने ये सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन उसने और भी बहुत सारी की होंगी, बस उसकी किस्मत सही नहीं थी कि ये एक मशहूर हो गई। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस होता है ना, ये एक स्टेप है, ये साइंस के अंदर फॉलो किया जाता है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आप ना अपने दिमाग से सोचते हैं कि अच्छा यार ये क्यों हुआ होगा, एक अपनी राय पेश करते हैं कि अच्छा यार ये गिरा ना तो इस वजह से गिरा होगा, एक हाइपोथेसिस होता है। कुछ बंदे कहेंगे कि यार ये नीचे, अभी सेब वाला तो खैर बहुत क्लासिक एग्जांपल है, लेकिन मैं दूसरी, कुछ लोग कहेंगे कि कागज़ जो जलाते हैं ना आग में, कि भाई कागज़ को आग लगाते हैं तो कागज़ जल जाता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि शायद कागज़ के अंदर ना पेट्रोल की कुछ मकदार होती होगी मे बी। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार कागज़ तो लकड़ी से बनता है ना, तो लकड़ी जलती है तो कागज़ भी जल रहा है, अपना कोई राय देंगे। अच्छा उस हाइपोथेसिस को हर बंदे का अपना अपना हो सकता है, अभी तक ये लॉ नहीं बना है साइंस का, ना ये थ्योरी बनी है, अभी सिर्फ हाइपोथेसिस है ये। अच्छा हाइपोथेसिस को लेके और डिफरेंट एविडेंस कलेक्ट करके ना एक थ्योरी बनाई जाती है कि जिसका हाइपोथेसिस ज़्यादा करीब करीब लग रहा है, और उसको सम टाइम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सम टाइम ये कि वो इसको राइटिंग में लिख लेते हैं कि अच्छा यार ये कॉन्क्लूजन है, एक साइंटिस्ट का एक कॉन्क्लूजन है कि यार ये हो रहा है, वो एक थ्योरी बना दी उसने। उस थ्योरी को फिर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ करने का मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा कह रहा है ना कि पेट्रोल होता है कुछ, पेट्रोल की कुछ ना कुछ मकदार कागज़ में होती है, तो अब उसको प्रूफ करने के लिए ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अच्छा हर चीज़ को आप एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं कर सकते, या यूँ कह लें कि हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट से साबित करना इतना आसान नहीं होता। तो 90% ऑफ द टाइम वो चीज़ ना थ्योरी तक रह जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ पाती वो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स उसको सम टाइम पॉसिबल नहीं होता, सम टाइम मैनकाइंड को ये पता ही नहीं होता कि ये इसको करें तो कैसे टेस्ट करें, है ना। हर चीज़ को टेस्ट करने का तरीका नहीं पता इंसानों को इस वक्त राइट नाउ। जैसे आप वो देखें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अब रिलेटिविटी के टाइम और स्पेस रेलिवेंट है, मगर उसको टेस्ट कैसे करें, अगर कोई स्पेस में यानी टाइम में अगर आगे चला गया कोई तो वापस बैक थोड़ी आ सकता है बताने के लिए कि रेलिवेंट था या नहीं था, ठीक है। तो वो एक मुहावरा कहते हैं ना कि आर्सेनिक होता है एक जहर होता है, तो वो आर्सेनिक वाला हिसाब है कि आर्सेनिक जहर वो ज़ुबान पे टच करते ही मर जाता है बंदा, तो अब उसको कैसे बताएगा वो कि टेस्ट कैसा था इसका, तो वो वाला तो उसको भी प्रूव नहीं किया जा सकता, आर्सेनिक का जो टेस्ट है उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ज़ुबान पे टच करते ही मर जाता है बंदा, तो उसका कुछ इतना स्पीड होती है उसके अंदर, पता नहीं ज़ुबान पे टच करते ही ना बंदा सुन हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, मरता तो खैर थोड़ी देर में ही है, एकदम तो रूह ही निकल जाती, मरता तो थोड़ी देर में, लेकिन वो कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है, वो बता नहीं पाता बंदा। अच्छा अब वो थ्योरी जब प्रूव हो जाएगी, अच्छा प्रूव होने का मतलब भी ये है कि भाई मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूँगा और मैं एक नतीजा निकालूंगा कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये रिजल्ट निकला, इससे पता चलता है कि ये सही है। फिर दूसरा कोई आएगा वो कहेगा कि नहीं यार ये ऐसे वैसे नहीं होता, वो भी उस थ्योरी को उठाएगा, वो भी एक्सपेरिमेंट करेगा, वो बोलेगा कि हाँ यार सही था ये, ऐसा ही है। तो फिर ये बन जाएगा साइंस का लॉ, ठीक है। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना कि आप बॉल को किसी चीज़ पे मारेंगे तो वो इक्वल फोर्स से वापस आएगा, उसकी वो यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ तो नहीं लेकिन दूसरी एक दूसरी दुनिया भी है वेस्ट में, या पता नहीं हो सकता किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो वो बॉल से उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। वो बीच में एक बॉल लटकी हुई होती है लोहे की, भारी बॉल 15-20 किलो की, और उसको वो खींच के ना यूँ ला के खड़ा होता है बंदा, और ला के उसको छोड़ता है वो, तो वो वापस जाके ना वो उसके नाक तक ही आता है, उससे और आगे नहीं जाता, वो नाक से थोड़ा, जहाँ से उसने छोड़ा होता है उससे थोड़ा दूर से ही वापस चले जाता है वो, है ना। वो एक क्योंकि लॉ ऑफ मोशन है, जो चीज़ जितनी स्पीड से जाएगी ना उतनी स्पीड से वापस आएगी। तो वो इस तरह के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके अपने बच्चों को समझाते हैं, हमारे यहाँ वो रिवाज अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ लाख रुपये सेमेस्टर वाले भी अब यूनिवर्सिटी मौजूद है, लेकिन ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा, सही है। और ये कंप्यूटर साइंस में वो करके दिखा रहे होते हैं,
कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को वो करके दिखा रहे होते हैं जिनका इतना ज़्यादा शायद कोई ताल्लुक भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो लेक्चर्स देखे हैं MIT के सारे, तो क्योंकि यहाँ वाले तो पढ़ाने को तैयार थे नहीं, तो मैंने कहा यार अभी फ़िलहाल के लिए अभी क्या करें। तो मैंने MIT ने उस वक्त नया नया अपना वो कोर्स पूरा ना पब्लिक किया था, तो वो मैंने देखे थे सारे, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फिर बीच में। वेल, अब जो सब लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, सब लोग मुत्तफिक हो गए, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी उस पर मुत्तफिक हो गई ना, अब ये बन गया लॉ के क्या कहते हैं, अब इसको कोई डिनाई नहीं करेगा, जो डिनाई करेगा ना उसको कम्युनिटी से ही लात मार के भाग हैं। बाय द वे कुछ होते हैं डिनाई करने वाले, बहुत सारे लोग ग्रेविटी के लॉ को नहीं मानते, वो कहते हैं ग्रेविटी कुछ भी नहीं है, उल्लू बनाया हुआ है ना, है नहीं, मुकनतीस तो ये तो नहीं मानते, वो मुकनतीस को ही नहीं मानते, वो फ्लैट अर्थ वाले जो बंदे हैं ना वो नहीं मानते। चिकन डायनासोर की नस्ल से, हाँ, मगर उसको वो थ्योरी इसलिए क्योंकि प्रूव नहीं हो सकती वो, नहीं थ्योरी फिर नाम नहीं होता ना उसका, वो फिर साइंस का कोई लॉ होता। अच्छा लॉ मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी एक तो कि 9.8 मीटर है वो फिक्स है, तो लॉ बोलते हैं उसको, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलते उसको, लॉ है वो, तो ये फ़र्क है, क्योंकि साइंसदान भी जो है ना साइंटिस्ट हमारा वो भी तो चला गया, उसको भी कम्युनिटी से लात नहीं खानी है, तो वो जितनी भी इस तरह की बात करेगा ना अगर उसने प्रूव नहीं किया तो वो उसको कभी भी लॉ नहीं बोलेगा, गलती से भी नहीं बोलेगा, लेकिन वो ऐसे बना के बोलेगा ना उसको कि थ्योरी आपको लॉ लगे, एक ले मैन को लगे कि लॉ है ये, लेकिन वो लॉ कभी वर्ड यूज़ नहीं करेगा, ये चालाक होते हैं ये सारे, इनको पता होता है कि बहुत बेइज्जती होगी, आवाम तो वाहवा करेगी लेकिन कल को कम्युनिटी में भी तो बैठना है ना जाके, तो वहाँ पर बड़ी बेइज्जती होगी, तो इसलिए कभी वो लॉ का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा ये जो अभी कल मैं परसों डिस्कस कर रहा था किसी से, थर्मल क्या उसको कहते हैं, नहीं जो थर्मल के जो लॉज है सारे, क्या नाम है उसका, हाँ जो थर्मल थर्मोडाइनेमिक के जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ लॉ हैं उसके, वो आप लॉज हैं वो देखें आप, उस लॉ में उन्होंने बताया हुआ है कि हमेशा जो गर्म हवा है वो ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी, ये मतलब मुझे नहीं पता ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कौन सा, लेकिन एक ये बात है उसमें, ठीक है, मुझे नहीं इतना डिटेल नहीं पता, वैसे ही किसी से डिस्कशन हो रही थी, डिस्कशन क्या हो रही थी, एक दूसरी क्लास में भाषण दे रहा था तो बात निकल आई थी, तो ये डिस्कस, तो लॉ बन जाता है वो, तो ये साइंस हमारी चलती है ऐसे, ये पूरा मैंने आपको ना साइंस का जो पूरा सिस्टम है ना, जिस सिस्टमेटिक तरीके से साइंस साइंटिफिक कम्युनिटी ड्राइव कर रही है इन्वेंशंस को, या जो भी आप कह लें उसको, ईजादात को जो ड्राइव, ये वो तरीका है पूरा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले फ़िलासफ़ी के दौर में ना लॉजिक से चीज़ों को प्रूव किया जाता था, साइंस में लॉजिक की कोई वैल्यू नहीं है साइंस में। अच्छा अब लॉजिक क्या है वो भी समझ लो, लॉजिक ये है, अब वैसे तो ग्रेविटी का लॉ बन चुका है, लेकिन इमेजिन करो कि मुझे तुम लोगों को ये प्रूफ करना है कि अर्थ में ग्रेविटी है, ग्रेविटी का मतलब कि वो चंबुक है या जो भी मुकनतीसी कुव्वत है या जो भी कह लो, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है और मुझे तुम लोगों को प्रूफ करना है ये, तो मैं ये एक्सपेरिमेंट से नहीं करूँगा, मैं ये लॉजिक से करूँगा। अच्छा लॉजिक से कैसे करूँगा मैं, अब मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जिसको मैं लॉजिक से प्रूफ करूँगा, और मकसद ये समझाना है कि लॉजिक क्या होती है, ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान नहीं देना, मकसद ये समझना है कि लॉजिक क्या होती है। एक स्टेटमेंट मैं ये दे रहा हूँ कि जो मैग्नेट होता है वो लोहे में चिपक जाता है, और किस किस चीज़ में चिपकता है, एल्युमिनियम में चिपकता है, नहीं चिपकता, स्टेनलेस स्टील तो वैसे कोई चीज़ नहीं होती, वो एलॉय होता है असल में, एल्युमिनियम को ही, और वो उसको दो तीन को ना मिक्स करके बनाते हैं। अच्छा कॉपर में भी चिपकता है किस में बताओ ना, लोहे के अलावा किस में चिपकता है, सिर्फ आयरन में, कॉपर में नहीं चिपकता ना लोहा, कॉपर में कहाँ चिपकता है, चंबुक जो होता है छोटा वाला जो हार्ड ड्राइव से निकालते हैं हम, सबसे कड़क मैग्नेट जो तुमने देखा है वो कौन सा है अभी तक, मैंने तो वो हार्ड ड्राइव वाला देखा है फिजिकली अपने हाथ में लेके देखा है, और वैसे इंटरनेट पे मैंने वो वाला देखा है, वो आजकल क्यूब आया हुआ है ना, वो अमेज़ॉन से लाते हैं, दो मैग्नेट होता है वो आपस में उसको चपकाते हैं, वो टूट ही जाता है, इतनी स्पीड से आगे टकराता है वो आपस में कि टूट ही जाता है, वो क्या नाम है उसका मैग्नेट का पता है किसी को, हाँ नहीं नहीं वो उसका जो चकोर दो क्यूब है ना उसका एक नाम है, वो अमेज़ॉन पर बड़ा चल रहा था पिछले दिनों,
क्या नाम है, नाइरोबियम। अच्छा, नाइरोबियम मैग्नेट। नाइरोबियम की स्पेलिंग मैंने शायद गलत लिखी है। नाइरोबियम की स्पेलिंग क्या होगी, एन आई आर ओ बी आई यू एम। हाँ, वेल इसमें वो वाला तो नहीं दिख रहा मुझे, वो टकरा के टूटने वाला। ये वाला द स्ट्रेंथ ऑफ नाइरोबियम, वेल यही नाम है, सही कह रहे हैं ये सबसे स्ट्रेंथेंथ मैग्नेट है मे भी। अच्छा वेल, तो अब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो मैग्नेट है ना, ये चुंबक जो है, वो लोहे में भी चिपकता है, वो लकड़ी में भी चिपकता है, वो प्लास्टिक में भी चिपकता है, और वो कॉपर और एल्युमिनियम में भी चिपकता है। हाँ भाई, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? ये एक मैंने स्टेटमेंट दी है, एग्री नहीं कर रहे। अच्छा, तो अब मेरा काम है आपको एग्री करवाना ना, लॉजिकल लॉजिकली इसको मैं प्रूफ करूँगा, और आप लोग अग्री कर जाते हैं तो उसका मतलब है कि लॉजिक सही लगा दी मैंने। अच्छा, एल्युमिनियम में, तांबे में, कॉपर में और लकड़ी में और प्लास्टिक में, ये जब ये चिपकता है बहुत कम, हमें पता नहीं चलता, बहुत कम चिपकता है। अच्छा, अगर मैग्नेट स्ट्रांग इनफ हो तो वो बिल्कुल लोहे की तरह चिपकेगा फिर। मगर हमारे पास जो आम तौर पे मैग्नेट अवेलेबल हैं सरफेस के ऊपर, ये इतने स्ट्रेंथ नहीं है इसकी, ये इतने स्ट्रांग नहीं होते मैग्नेट। ये मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अच्छा, स्टिल मेरी बातों पे ध्यान नहीं देना, लॉजिक समझना कि क्या चीज़ होती है। अच्छा, आप कहेंगे नहीं यार इतना बड़ा मैग्नेट तो आपने क्या लगा के देखा है। अच्छा, फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आप क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानते हैं? सब लोग मानते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को। अच्छा, लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलती है कि अर्थ का जो कोर है वो एक मैग्नेट है और हम सब लोग इसमें चिपके हुए हैं। अच्छा, तो हम क्यों चिपके हुए हैं? हम क्या लोहे के बने हुए हैं? लोहे के तो नहीं हैं। अच्छा, क्या मैं एक लकड़ी का टुकड़ा या एक अल्मोनियम का पीस यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ तो वो किधर जाता है? नीचे, ग्रेविटी की वजह से। तो इसका मतलब है मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है उसको, जब ही तो नीचे जा रहा है, प्लास्टिक भी जाएगा नीचे। अच्छा, तो 9.8 जो ग्रेविटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, हम सरफेस के ऊपर इतने बड़े साइज़ का मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं होना। अगर इतने बड़े साइज़ का मैग्नेट होगा ना तो वो फिर आप अर्थ को अगर इमेजिन करवाऊँ मैं अर्थ को, तो अर्थ एक ऐसे गोला है ना और हम सब उसके चारों साइड चपके हुए हैं। अच्छा, इसको अगर घर पे एक्सपेरिमेंट करना हो तो एक गोल मैग्नेट लेके ना, गोल या किसी भी शेप का मैग्नेट लेके उसको मट्टी में ऐसे ऐसे करोगे ना यूँ, तो उस पर छोटे छोटे पार्टिकल यूँ यूँ चिपक जाते हैं, हम उसी तरह चपके में, इस अर्थ के सराउंडिंग में हम उसी तरह चपके में ही हूँ, है ना। अच्छा, तो अब इमेजिन करो कि जो जिस मैग्नेट पे हम चपके में, उतनी ही ग्रेविटी का एक और मैग्नेट अगर आ जाए सरफेस के ऊपर तो क्या होगा? आधे बंदे उड़ के उसमें चिपक जाएंगे, आधे पार्टिकल उड़ के उसमें चिपक जाएंगे, तो हम सब आपस में टकरा रहे होंगे फिर। अगर इसने इतने बड़े साइज का मैग्नेट किसी ने निकाल लिया या बना लिया तो 9.8 ना बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते सरफेस के ऊपर उतना बड़ा मैग्नेट। तो हमारे पास जो मैग्नेट है वो बहुत कम स्ट्रेंथ के होते हैं, और यही वजह है कि उसमें ये वाले मेटल चिपकते नहीं है, क्योंकि ये वाले मेटल इतने कम ग्रेविटी पे नहीं चिपकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर एक लोहे का पीस है और आपने उसको ऐसे मैग्नेट पे यूं नीचे से चिपका दिया तो वो चिपका रहेगा। ठीक है, वो चिपका रहेगा, वो नीचे अर्थ की तरफ नहीं जाएगा, बावजूद इसके कि अर्थ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, इसकी ग्रेविटी तो कम है, लेकिन वो इस पर चिपका हुआ है। क्यों चिपका हुआ है? इसलिए चिपका हुआ है क्योंकि इससे डिस्टेंस बहुत कम है उसका,
अर्थ का जो मैग्नेट है वो तो कोर में अर्थ के, उसके बीच में मट्टी है, पानी है, पता नहीं पत्थर है, क्या किया है, बहुत दूर है उस मैग्नेट से। अच्छा, लेकिन जैसे ही आप इस मैग्नेट से अलग करेंगे तो फिर वो नीचे वाले पे जाएगा, कोई तीसरी जगह नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लॉजिकल स्टेटमेंट दी है, यानी दो ऐसी स्टेटमेंट को मिला के जो पहले से आप लोग ट्रू मानते हैं। नंबर एक, अर्थ की ग्रेविटी का जो लॉ है वो आप लोग मानते हैं, ठीक है, और जो लोहे को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है वो भी आप लोग मानते हैं। तो ये दो, एक दो तीन जो पहले से लॉ बने हुए थे, जो पहले से बातें जो आप ट्रू मानते थे, उन दोनों को मिला के ना मैंने एक तीसरी बात को ट्रू मनवा लिया आपसे। तो ये लॉजिक है, सही है। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन में होता है ना कि दो वैल्यू पता है तो इक्वल्स टू एक्स करके वो तीसरा पता लगा लेते हैं, तो ये काइंड ऑफ वही चीज़ हो रही है। अच्छा, अब आपको ये काफ़ी मिलती जुलती लग रही होगी, अच्छा इसी से निकली है मैथ, ये इसी मंजन से मैथ निकली है और फिर मैथ से साइंस निकली है, काइंड ऑफ इस तरह का कुछ हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर। तो जाहिर है क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है, हम पहले ये करते रहे हैं, अब तो हमें अकल आ गई कि अच्छा यार ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है कि प्रूफ कर लें। अच्छा, बट अभी भी अगर मैं कोई बात लॉजिकली प्रूफ कर दूं तो उसको तो झुटला तो नहीं सकता कोई, समझ रहे हो बात। मिसाल के तौर पे पहले साइकिल पे घूमते थे हम, लेकिन अभी अगर मोटरसाइकिल आ गई है तो साइकिल बिल्कुल बेकार नहीं हो गई, ट्रैवल वो भी करवाती है। तो इसी तरीके से अगर मैं अभी, जैसे मैंने अभी एक लॉजिकली बात प्रूफ की है, तो क्या इसको डिनाई कर सकता है कोई? अगर इसको डिनाई करेगा ना तो उसको फिर अर्थ के मैग्नेट को डिनाई करना पड़ेगा, अगर इसको डिनाई करेगा तो उसको फिर जो लोहे पे मैग्नेट चिपकता है इसको भी डिनाई करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये लॉजिकली अगर अभी भी आप कोई बात प्रूफ कर दें इस दौर में भी तो उसका वजन होता है, ठीक है, लेकिन वो असल में मसाइल बहुत आगे निकल गए हैं इससे। ये बहुत छोटे छोटे मसाइल सॉल्व हो सकते हैं लॉजिक से, बहुत बड़े बड़े मसले आ चुके हैं जो साइंटिफिक जो तरीका है ना, एक सिस्टम तरीका है, उससे वो आसान रहते हैं निस्बत के हम लॉजिक से उसको करें आसान रहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसी चीज़ को अगर कोई साइंसदान या साइंटिस्ट अभी प्रूफ करना चाहेगा तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि प्लास्टिक का कोई टुकड़ा लेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, कहीं खड्डा वड्डा खोद के ना, कोई बंकर वंकर बना के उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा थोड़ा हैवी किस्म का, और वो उसमें अगर आधे सेकंड के लिए भी चिपका दिया ना उसने तो प्रूव हो जाएगी ये बात। वो ये करेगा बजाय, हाँ वो उसी पे आ रहा था ना कि फ्यूजन रिएक्टर असल में इलेक्ट्रोमैग्नेट है बहुत बड़ा, तो वो करेगा साइंसदान, और कर रहा है वो। जो हाइड्रो कोलाइडर है, जो वो असल में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, वो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, वो मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जितना मुझे पता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ और हो। तो वो जो है वो क्या कहते हैं, अभी का साइंसदान उसको उस तरह से प्रूफ करेगा, वो लॉजिक के पीछे नहीं भागेगा। अच्छा, फिर बात ये है कि साइंस साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, जिसमें मैं और आप उसका पार्ट है, साइंटिफिक कम्युनिटी का, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम साइंस के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तो हम वो बात ना अगर साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक थ्योरी वाले तरीके से अगर हमें बताई जाए तो हमें ज़्यादा समझ आती है और हम उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं निस्बतन लॉजिक के, ठीक है। लॉजिक में फिर वो पूरी बात समझनी पड़ती है अच्छे से, फिर जाके समझ आती है। अगर अच्छा मैंने जो अभी लॉजिकली बात प्रूफ की है ना आपसे, मैं कहूँगा ज़रा रिपीट करो तो आपको याद भी नहीं होगा, आप कहेंगे यार हाँ कुछ किया तो था मैं उस वक्त, तो कन्वेंस हो गया था, लेकिन अभी पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था, कुछ प्लास्टिक मैग्नेट का कोई चक्कर चलाया था, समझ रहे हो। तो आमतौर पर जो लॉजिकली चीज़ प्रूफ की जाती है ना उसको कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग उसको डिलूजन के तौर पे लेते हैं, वो कहते हैं भाई ये तो ऐसे डिलूजन किया था, ऐसे माइंड गेम खेला, उस वक्त मैं कन्वेंस हो गया था लेकिन अब मैं कन्वेंस नहीं हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ। अच्छा, तो जो अब आ जाते हैं हम लॉजिक समझ आ गई क्या होती है, साइंस से कैसे डिफरेंट और लॉजिक वो भी समझ आ गई। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट इतना लंबा इसलिए बताया मैंने, अगर ये कॉन्टेक्स्ट पता होगा ना तो चीज़ आसानी से समझ आती है, वरना लॉजिकल ऑपरेटर में आमतौर पर ना वो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, बोलते हैं हो गया, तो ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे हम। आ जाते हैं, अब ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, निम 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 निम, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। ट्वेल्व
टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस, राइट, टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस उसका नाम है, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, इसके अंदर का जो कोड है वो सारा मैं रिमूव कर देता हूँ।